गाइस हम हैं आपके जुड़वा सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस आपको पता है अच्छे से कि हम कुछ अलग म्यूजिक एक चला रहे हैं, हमारा सीरीज अलग चला रहे हैं कि थोड़ा समझ लो एक अकोस्टिक टाइप, एक लाइव म्यूजिक। तो हमने सुझा, अब तू कंटिन्यू कर सकता है। तो फिर मैंने कमेंट देखा था कि बहुत से लोगों ने बोला था कि गाइस क्रॉस ब्लेड करके एक मतलब सीरीज है। हाँ ठीक है, आपने अब तक वो कैसे नहीं सुना? बिल्कुल ठीक है, तो आपकी आज रिक्वेस्ट पूरी होने वाली है। हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं ढोलना बीप्राक। तो एक काम करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए, बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मुझे सीरियसली देखना है कि आपने क्यों हमको इसका सजेशन दिया। बिल्कुल 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 ठीक है, मैं हम लोग ट्राई करते हैं आपको वन टेक में प्रॉपर इसका रिव्यू दे सके। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ऐसे ही सजेशन देते रहो yes. तो हम लोग पढ़ के आपकी पूरी रिक्वेस्ट पूरी कर पाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कभी कभी कोई पॉसिबल नहीं होता है, लेट होता है, पर लेटेस्ट होता है जरूर। ठीक है, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, और नए हो तो चैनल को शेयर भी करना तो नए पब्लिक को पता चलता है। यस, और कमेंट में लिखना जरूर यार। तो यस, वीडियो भी लाइक करें। ये सीरीज का पहली बार हम सुन रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ढोलना बीप्राक एंड रॉबी सिंह। रॉबी सिंह रेडी? बिल्कुल रेडी। स्टार्टिंग तो सेशन अच्छा, ये इसका ये है। ओहो ओके, कौन सा चाहिए आप जरूर कमेंट में बताना, ये जो इतने इतने सेशन हुए इन लोगों के। चलो रेडी लगा, आवाज बड़ा भाई। आहा, क्या ढोलक बज रही है, वाह तेनू कहण वाली यारा एक गल रहंदी है, तेतों लैनी एक चीज तेरे वल रहंदी है। हाय जिंदगी च हलचल रहंदी है, हलचल रहंदी है, हलचल रहंदी है, तेनू कहण वाली यारा एक गल रहंदी है। मैनू छेती छेती मैनू
छेती छेती मिल ढोलना मैं तो ठीक नहीं या तेरे बिन ओ मैनू छेती छेती मिल ढोलना मैं तो ठीक नहीं या तेरे बिन ओ मैनू छेती छेती मिल ढोलना मैं तो ठीक नहीं या तेरे बिन ओ मैनू छेती छेती मिल ढोलना मैं तो ठीक नहीं या तेरे बिन तेनू कहण वाली यारा इक गल रहंदी है तेतो लैणी इक चीज तेरे वल रहंदी है हाय तेनू कहण वाली यारा इक गल रहंदी है तेतो लैणी इक चीज तेरे वल रहंदी है तेनू दे जा तू दीदार इक वारी मेरे यार तेरे बिना जिंदगी तेनू कहण वाली यारा इक गल रहंदी है जिसको भी म्यूजिक में डिटेल्स में जानना है वो रुको बिल्कुल जिसको म्यूजिक डिटेल्स जानने का है रुको यस सो गाइस वाओ सबसे पहली बात थैंक यू सो मच आपने क्रॉसब्लेड लाइव की सजेशन दिया बिल्कुल क्योंकि आपको तो पता ही हम लोग अकोस्टिक्स जो भी बजते हैं उसमें ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्योंकि ओरिजिनल म्यूजिक जितना भी बजता है हमको जितना स्ट्रिंग्स एंड ऑल ये सब बहुत ज्यादा पसंद है ठीक है ना आपको अच्छे से पता है तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सबसे पहली बार जो आर्ट डायरेक्शन था ठीक है वीडियो डीओपी आर्ट डायरेक्शन रॉबी सिंह का है रॉबी सिंह ये एक्चुअली रॉबी सिंह ओ ये डायरेक्टर है एक्चुअली हम लोग सिंगर समझ बैठे बिल्कुल ठीक है सिंगर समझ बैठे बिल्कुल ठीक है तो ये हो गया पहली बात और दूसरी बात साउंड टेक्नीशियन जो थे हमारे तेजिंदर रानी बिल्कुल काफी अच्छा जो लाइव साउंड इंजीनियर थे क्योंकि ऐसे इसमें लाइव साउंड का बहुत ज्यादा हाथ होता है बहुत ज्यादा लाइव साउंड इंजीनियर का बहुत ज्यादा हाथ होता है तो अभी लाइव टेक्नीशियन अभी उन्होंने ये किया लाइव किया है कि नहीं पता नहीं हाँ ये बात जरूर है कि बाद में मिक्स और मास्टर हुआ है समझ में आ रहा है लाइव उतना ज्यादा मतलब बाद में हुआ है एकदम ही लाइव रिकॉर्ड नहीं हुआ है बिल्कुल ठीक है ये बाद में मिक्स एंड मास्टर हुआ है बिल्कुल मास्टर गुरिंदर एंड आकाश भाई ने किया है बिल्कुल अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग एंड अरेंजमेंट कार्तिक एंड गौरव भाई ने किया है जो बहुत अच्छा चल रहा था बहुत अच्छा और दूसरी बात मैं और मेन भी आता हूँ जितने भी माइनर इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे थे ना बिल्कुल जो मतलब इधर लिखा है क्या माइनर जो नहीं जो माइनर इंस्ट्रूमेंट चल रहे थे वहाँ पे ये देखना चाह रहा हूँ मैं बिल्कुल यहाँ पे परक्यूशनिस्ट है सुमित टंडन एंड ड्रम में नेंडी था बहुत बढ़िया जयमाल ढोलक पे राहुल भाई थे कीबोर्ड पे माधव भाई थे शहनाई पे रवि भाई थे फ्लूट पे सुमित डिक्का थे वायलिन रिकॉर्डिंग नौशाद वारसी ने किया है फर्स्ट वायलिन सुल्तान सेकंड वायलिन वायलिन दीपांकर थर्ड वायलिन समीना जो मतलब जो वायलिन चल रहे थे हाँ कितने बढ़िया बीच में जो पार्ट आया था उनका स्ट्रिंग्स का बहुत बढ़िया लोकेशन लोकेशन लोकेश भाई ने एंड इलेक्ट्रिक अनूप भाई अकॉस्टिक गिटार राजन भाई थे जो बहुत अच्छा लग रहा था बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा था फीमेल वोकलिस्ट जो थे मैं बताना चाहता हूँ उनके बारे में जो उन्होंने हारमोनियस दिए बिल्कुल हारमोनियस जो दिए ना मैं उनका नाम धनश्री एलिना एंड आरती नितिका एंड आरती है ना तो सॉरी गाइस कैमरा बंद हो गया था पता नहीं क्या हो गया था तो फीमेल वोकलिस्ट जो थे हमारे जिनकी मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा हारमोनियस दिए थे मैंने बीच में वीडियो के बीच में भी बोला था कि यार क्या हारमोनियस चल रही है सही में और मेन बात शहनाई शहनाई और फ्लूट्स शहनाई और फ्लूट रवि भाई ने और फ्लूट सुमित धिक्का ने किया वाह जो काफी अच्छा मतलब मजा आ रहा था बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा फील चल रहा था परक्यूशन वो अपने माइनर इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे चल रहे थे जो बहुत मजा आ रहा था अभी मैं आता हूँ म्यूजिक जो अभी का जो एडिशनल लिरिक्स एंड कंपोजर गुरनजर भाई थे बहुत अच्छा भाई मतलब मजा आ गया मैं क्या बताऊँ आपको और अभी प्राक का तो ओरिजिनल जानी आपको बताने की जरूरत नहीं बट मैं अभी एडिशनल की बात कर रहा हूँ वो तो है ही खतरनाक ओरिजिनल बट ओरिजिनल जो है हम लोग शायद मिस कर गए बिल्कुल शायद ओरिजिनल या तो किया है या तो हम लोग मिस कर गए मुझे याद नहीं आता हम इतने सॉन्ग कर रहे हैं बिल्कुल है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो गाइज
मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। मतलब मैं मजबूर हो गया सबके नाम लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हो, सबके नाम लेने के लिए मजबूर हो गए हम लोग। बहुत इतना प्यारा काम किया उन्होंने, बहुत बहुत अच्छा। गुरु नजर भाई, भाई का मैं पहली बार सुना और बहुत अच्छा लगा मेरे को। एडिशनल लिरिक्स एंड कंपोज भाई ने किया है, बहुत मस्त। और बी प्रागर जानी के बारे में मैं क्या बोलूं यार, वो हर वीडियो में हम तारीफ करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इस पर यार मजा आ गया, थैंक यू सो मच इसके लिए। सो यस, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, और ऐसे ही सजेशन देते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। फिर साहब। Na 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 na